हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम हिंदी की प्रेरणा बुक में से तीसरी कक्षा का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बांटो अपना सुख। क्या नाम है इसका? बांटो अपना सुख। इसमें क्या बताया गया है, इस कविता में हमें ये समझाया गया है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम सुख बांट सके लोगों में। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को हमारे काम से दुख मिले, ठीक है। हमें लोगों में सुख को बांटना चाहिए। कविता स्टार्ट करती हूँ। सूरज हूँ मैं जलता हूँ, जलकर गर्मी देता हूँ। सबसे पहले हमें एक उदाहरण दी गई है, किसकी एग्जाम्पल दी गई है, सूरज की, कि सूरज हूँ मैं। सूरज क्या बोल रहा है कि सूरज हूँ मैं, जलता हूँ। खुद क्या करता है, वो जलता है। जलता है तो हमें जल क्या मिलती है, अगर वो सूरज खुद जलता है तो हमें क्या मिलती है, गर्मी मिलती है। सूरज खुद जलता है, खुद दुख लेता है और हमें क्या बांटता है, सुख बांटता है। और भी कई फायदे है ना हमें सूरज के। और क्या क्या फायदे है बताओ, और क्या क्या मिलता है हमें सूरज से। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, क्योंकि हमें तब जब सूरज निकल आता है सुबह तो भी हमें पता लगता है ना, सुबह हो गई, अभी दिन हो गया है, तो सूरज से हमें ऑटोमेटिक ही रोशनी मिलती है, ठीक है ना। रोशनी मिलती है, धूप मिलती है, गर्मी मिलती है और विटामिन डी मिलता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो उसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नदियां हूं मैं बहती हूँ, बहकर प्यास बुझाती हूँ। नदियां क्या कह रही है, नदियां हूं मैं। ये देखो पिक्चर में दिखाई गई है ना, नदियां बह रही है। नदियां कह रही है मैं बहती हूँ, बहकर, वो जब बहती रहती है तो हमारी प्यास बुझाती है, बहकर प्यास बुझाती हूँ, ठीक है। जो सूरज था वो जलकर गर्मी देता था, नदियां बहकर प्यास बुझाती है। पानी से हमें प्यास किससे मिटती है, पानी से मिटती है ना। अगर पानी नहीं होगा तो हमारी प्यास नहीं होगी। अगर इसमें ये नदियां सूख जाएंगी तो पानी हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। अगर ये सूख जाएगी तो इट मीन्स क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि धरती में से पानी कम हो गया तभी सूखेगी ये। तो अगर पानी कम हो गया तो हमें पानी नहीं मिलेगा तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी। तो नदियां क्या कह रही है कि मैं बहती रहती हूँ, खुद मैं बहती रहती हूँ और बहकर क्या करती हूँ, लोगों की प्यास बुझाती हूँ। अगर ये बह गई, अगर ये खड़ा रह गया पानी तो भी पीने योग नहीं रहेगा क्योंकि साफ नहीं होगा, ठीक है। अगर सूख जाएगा तो पानी ही नहीं मिलेगा। तो बहती नदियां का बहना हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है। आगे है, झरना हूं मैं झरकर मनमोहक रूप दिखाता हूँ। अब झरना क्या होता है, ये देखो पिक्चर में, ये होता है झरना। जैसे पहाड़ से ऊपर से नीचे पानी गिरता है तो उसे क्या बोलते हैं, झरना। जब पानी पहाड़ से ऊपर से नीचे को गिरता है तो झरना बोलते हैं। जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो हम देखते हैं ना ऊपर से पानी गिरता है तो कितना अच्छा लगता है, सुंदर लगता है ना देखने को। तो झरना क्या कह रहा है कि मैं झरना हूँ, झर झर का मतलब ऊपर से गिरता हूँ खुद। ये झरना पानी ऊपर से गिरता है पर फिर भी कितना मनमोहक लगता है, हमें अच्छा लगता है ना। तो खुद वो गिरता है, खुद दुख लेता है और हमें में क्या बांटता है, सुख बांटता है। मनमोहक रूप दिखाता हूँ मतलब बहुत अच्छा रूप दिखाता है, खुद गिरकर हमारे लिए हमें अच्छा फील करवाता है, ठीक है। आगे है, सारे सुख आते जीवन के जलकर बहकर झरकर। इसमें क्या कहना चाहता है कवि कि सारे सुख, जितने भी सुख हैं वो जिंदगी में कैसे आते हैं, जलकर मतलब जलकर बहकर और झरकर। जलकर मतलब मतलब जलने से, ठीक है, बहकर हमेशा चलते रहने से, जलकर मतलब मेहनत करने से गर्मी, ठीक है ना। बहकर मतलब हमेशा काम करते रहने से। अगर कोई एक आदमी काम को छोड़ देगा और एक जगह पर खड़ा रहेगा कि मैंने कुछ नहीं करना तो वो भी क्या हो जाएगा, वो उसका भी काम नहीं बनेगा ना। और झरकर गिरकर, झरकर क्या होता है, गिरना, गिरकर। हम अगर गिरते हैं तो फिर से उठते हैं तो क्या होता है, सुख आते हैं। बांटो अपना भी सुख प्यारे, जलकर बहकर झरकर। इसमें क्या गया है, आप भी जितने भी सभी सुख कैसे मिलते हैं, जलकर बहकर और झरकर।
इसमें क्या कह रहा है, बांटो अपना भी सुख प्यारी, आप अपना भी सुख है। इसमें मनुष्य का कह रहा है कि आप भी जैसे ये बाकी सूर्य और नदी एंड जो झरना है हमें सुख देता है, आप भी ऐसे ही सुख बांटो। कैसे? जलकर, बहकर और झरकर। ठीक है, इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी ऐसे काम करने चाहिए जिससे लोगों को खुशी मिले। लोगों को खुशी मिले हमारे किसी भी काम से, लोगों को किसी को दुख ना हो। ठीक है, आगे बच्चे हैं इसके शब्दार्थ। पहला है नदिया। नदिया को तो पता ही आपको, नदी। नदिया को क्या बोलते हैं? नदी। मनमोहक, मन को लुभाने वाला, जहाँ सुंदर। मन को लुभाने, मन को अच्छा लगने वाला, जहाँ किसे कह सकते हो सुंदर। जीवन, जीवन किसे बोलते हैं? जिंदगी। झरकर बताया था ना, गिरकर, गिरना या झड़कर जैसे बात। ठीक है, झड़कर या गिरकर। आगे है क्वेश्चन आंसर्स। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें सूरज से क्या मिलता है? क्या मिलता है हमें सूरज से? गर्मी मिलती है। इसमें एक ही बताया गया ना, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हमें सूरज से गर्मी मिलती है। क्लियर, हमने लिख दिया है कि हमें सूरज से गर्मी मिलती है। हम इसे रोशनी भी लिख सकते थे, धूप भी लिख सकते थे, मगर इस चैप्टर में क्या बताया गया कि अकेली गर्मी के बारे में बताया गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमें सूरज से गर्मी मिलती है। नदियां बहकर क्या करती है? क्या करती है नदियां? बहकर प्यास बुझाती है। क्या बुझाती है? प्यास। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन था नदी बहकर क्या करती है? नदी बहकर प्यास बुझाती है। थर्ड देखो, ग मनमोहक रूप कौन दिखाता है? कौन दिखाता है? सूर्य दिखाता है? नो, झरना दिखाता है। कौन दिखाता है? झरना। मनमोहक रूप झरना दिखाता है। ठीक है, तो आप लिख दोगे मनमोहक रूप झरना दिखाता है। आगे है ग जीवन के सारे सुख कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? पीछे पढ़ा था ना, देखो पीछे। जीवन सारे सुख आते जीवन के जलकर बहकर झरकर। तो इसका आंसर भी क्या आ गया कि जीवन के सारे सुख जलकर कैसे आते हैं? जलकर, बहकर और झरकर। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर है जीवन के सारे सुख जलकर, बहकर और झरकर, जिसका हमने ब्रैकेट में गिरकर भी लिख दिया है, आते हैं। ठीक है, झरकर मतलब गिरकर होता है, इसलिए लिख दिया। ठीक है, आते हैं। आगे है कविता की पंक्तियां पूरी करें। क्या था पहले ही? सूरज हूँ मैं, जलता हूँ, जलकर गर्मी देता हूँ। नदियां हूँ मैं, बहती हूँ, बहकर प्यास बुझाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख देना है। ठीक है, आगे है उन पंक्तियों को लिखो जिनमें अपना सुख बांटने की बात कही गई है। यहाँ पर हमने क्या लिखना है? पंक्तियां लिखनी है। पंक्तियां मतलब जो कविता में जो बात, जिसमें ये बात बताई कि जिनमें अपना सुख बांटने की बात की गई है। तो कहाँ बात की गई थी? देखो पीछे, जे वाला पैरे में की गई है ना। सारे सुख आते जिन जीवन में, ये नहीं बांटो, सॉरी, सारे सुख आते जीवन के जलकर, बहकर, झरकर। बांटो अपना भी सुख प्यारे, जलकर, बहकर, झरकर। तो आप ये वाला पार्ट लिख दोगे, क्योंकि उन्होंने वो पंक्तियां पूछी हैं जिसमें सुख को बांटने की बात की गई है। यहाँ कर सुख को आने की बात की है ना, हमने कौन सी लिखनी है? जहाँ सुख को बांटने की बात की है। क्या किसमें की गई है? बांटो अपना भी सुख प्यारे, जलकर, बहकर, झरकर। तो आपने ये दो पंक्तियां लिख देनी है। ठीक है, क्लियर, आपने ये दो पंक्तियां लिख देनी है। बांटो अपना भी सुख प्यारे, जलकर, बहकर, झरकर। आगे है भाषा पर। इस इन चित्रों को देखो और वाक्यों को पढ़ो। क्या आप बताया गया कि इन चित्रों को देखो और वाक्य, वाक्य कौन से जो नीचे लिखे गए? मिन्नी नाच रही है। ये क्या है? मिन्नी नाच रही है, रोहित पढ़ रहा है। ये मिन्नी है और ये रोहित है। ठीक है, नाचना और पढ़ना काम है।
ये देखो ये नाच रही है, हमें पता चल रहा है ना नाच रही है, क्या कर रही है, कौन सा काम कर रही है, तो नाचना नाचना। और ये रोहित पढ़ रहा है तो रोहित क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, पढ़ने का तो पढ़ रहा है। नाचना और पढ़ना काम है, ठीक है। मिनी नाचने का काम कर रही है और रोहित पढ़ने का काम कर रहा है। हमारे द्वारा कोई ना कोई काम होता ही रहता है। जो शब्द हमें काम के करने या होने की जानकारी देते हैं वह क्रिया शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है, काम का हो रहा है, जहाँ काम किरण से काम की जानकारी मिल रही है ना कि कौन सा काम हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिया। आगे देखो, हमने ये खुद करना है, बहुत ही इजी है। नीचे के चित्रों को देखकर बताओ इनमें कौन कौन से काम हो रहे हैं। देखो सबसे पहले ये बच्चा जो नहा रहा है तो हमने क्या लिख दिया, नहाना, जो पहले से लिखा हुआ है नहाना। तो ये क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो क्या लिखोगे, खेलना, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सो रहा है, तो क्या लिखोगे, सोना। ये गा रहा है, गा रही है ना, तो क्या लिखोगे, गाना। ये क्या कर रहा है, तैर रहा है, तैरना। ये लड़की रो रही है तो क्या लिखेंगे हम, रोना, ठीक है। इसके में क्या पता चले कि कौन कौन सी क्रिया कर रहे हैं। क्रिया जैसे नहाना क्या हो गया, क्रिया हो गई कि काम कौन सा करे। ये खेलना, खेलने का मतलब क्या हो गया, क्रिया शब्द है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्लियर, हमने लिख दिया इसमें खेलना, सोना, गाना, तैरना और रोना। आप इसको पॉज कर अपनी कॉपी में, बुक में उतार लेना, ठीक है। सभी को पता चल गया ना क्रिया शब्द कौन से होते हैं, जिसमें किसी के काम के होने का पता चलता है या काम की किसी की जानकारी मिलती है, तो क्या होता है, क्रिया शब्द होते हैं वो, ठीक है। सेकंड देखो, दूसरा वाला क्वेश्चन, खाली स्थानों में सही क्रिया शब्द भरें, ठीक है। आगे भी क्रिया शब्द है, उसको सही भरना है, कौन से उसमें फिट बैठते हैं, ठीक है। पेड़ से फल है, पेड़ से फल डैश है, क्या करता है, चमकता है या गिरता है, क्या आएगा, सोचो, गिरता है, तो क्या आएगा इसमें, गिरता है। पेड़ में फल गिरता है, तो यहां पर हम लिख देंगे गिरता। आकाश में तारे हैं, टिमटिमाते हैं जो गिड़गिड़ाते हैं, क्या करते हैं तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं तारे, टिमटिमाते हैं, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, टिमटिमाते हैं। सूरज डैश है, गलता है या तपता है, बताओ, तपता है, सूरज तपता है। पानी डैश है, बरसता है या उछलता है, पानी उछलता है, नो, पानी बरसता है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिख दिया है पानी बरसता है। आगे नदी डैश है, क्या है, बहती है, तो नदी का क्या आ जाएगा, बहती है। यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर दो कंप्लीट होता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, ऊंची आवाज में पढ़ें, ठीक है। प्यास, प्यारे, प्याऊ, आपको ये ऊंची ऊंची बोलना है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन है जो सही हो सके। ध्यान, अध्ययन, अध्याय, चिन्ह, मध्याह्न, अपराह्न, इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर, ठीक है। इसमें दो, एक आधा और एक पूरा वर्ण होता है, ठीक है, अक्षर होता है। तो इससे हम आगे हमें बनाने के लिए बोला गया है, दिए गए संयुक्ताक्षरों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द बनाओ। इसके आगे हमने दो दो बनाने हैं, ठीक है। क देखो, सत, इसके क्या क्या बनेंगे, इसके कई जो शब्द हैं बन सकते हैं, जैसे ये दिखा, जैसे जैसे देखो, सत, सत में स आधा और त पूरा होता है, ठीक है। जैसे देखो क्या बनेंगे इसके, नमस्ते, सत, असत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दस्तावेज, पुस्तक, पुस्तकालय, रेगिस्तान, दोस्त, दोस्ताना, रेगिस्तान द्वारा से आगे, हस्त, हस्तक्षेप, हस्ताक्षर, प्रस्ताव, गुस्ताखी, प्रस्तुत, मिस्त्री, वास्तविक, दस्ताना, वस्तु, विस्तार, शासक, इस्तेमाल। देखो कितने शब्द निकल आए ना,
स त, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो लिखने हैं, आप कोई भी इनमें से दो लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, हमने दो लिख दिए, नमस्ते एंड दोस्त। अगे कक का आधा है और ख पूरा है, इसमें कौन कौन से बन जाएंगे, जैसे मक्खी, मक्खन, सिख, मधुमक्खी, ठीक है, ऐसे बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर भी दो लिख देते हैं, कौन कौन से लिखेंगे, ठीक है, हमने दो लिख दिए, मक्खी और मक्खन। अगे स आधा और व पूरा, स्व, तो इसमें क्या क्या बन जाएंगे, स्वभाव, स्वादिष्ट, स्वार्थी, स्वामी, स्वर्ग, स्वाद, स्वस्थ्य, स्वचालित, स्वतंत्र, स्वच्छ, स्वयं, स्वदेश, ऐसे, ठीक है, बहुत से बन जाएंगे। हमने यहाँ पर दो लिखने हैं, क्या कौन कौन से लिखेंगे हम, आप कोई भी दो लिख सकते हो। हमने यहाँ पर दो लिख दिया, स्वभाव एंड स्वामी, ठीक है। आगे च आधा और छ, ठीक है, इसके क्या बन गएंगे, इच्छा, अच्छा, स्वच्छ, अच्छाई, गुच्छा, मच्छर, बिच्छू, इसमें भी हम दो लिया है, इच्छा और अच्छा लिख दिया ना। आगे है चित्र देखकर शब्द लिखो, तो इस पिक्चर्स को देखने हैं हमने, ये देखो साथ में पिक्चर्स दी हुई है ना और फिलअप्स दी हुई है। पिताजी डैश पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या है, अखबार, तो हम क्या लिखने, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। आगे आरती डैश बना रही है, क्या है ये, आप पेंटिंग भी लिख सकते हो और चित्र भी, आरती चित्र बना रही है। पक्षी अपने अपने, ये क्या है, किसकी पिक्चर है ये, घोंसला, पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठे हैं। आप यहाँ पर घोंसले लिखोगे, ठीक है, क्योंकि पक्षी की बात की गई है, अगर हम घोंसला में बैठे हैं वो गलत लग जाएगा, पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठे हैं। पहाड़ से डैश गिर रहा है, ये क्या होता है, झरना, क्या गिर रहा है, झरना, पहाड़ से झरना गिर रहा है। रजत डैश उड़ा रहा है, ये क्या है, पतंग, रजत पतंग उड़ा रहा है, क्लियर, हमने लिख दिया रजत पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पर ये चौथा जो है क्वेश्चन वो भी कंप्लीट होता है। आगे देखो लिखकर सीखो, इसमें हमने क्या बताना है, इनमें हमें क्या क्या, इनसे हमें क्या क्या लाभ है, तीन तीन पंक्तियां लिखो, ठीक है, ये बताने हैं, तीन तीन इसके फायदे बताने हैं, क्या क्या लाभ होते हैं सूरज के, नदी के एंड बिजली के। सूरज से क्या क्या होते हैं, किया था ना हमने पहले भी, हमें रोशनी देता है, धूप देता है, ठीक है, गर्मी देता है, हो गए आपके तीन पॉइंट, ठीक है। ठीक है, पहला हमने लिख दिया सूरज हमें रोशनी देता है, दूसरा सूरज हमें गर्मी देता है, सूरज की धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, क्लियर। आगे नदी के बताने हैं, ठीक है, नदी के क्या फायदे, नंबर वन, नदी हमारी प्यास बुझाती है, दूसरा नंबर क्या है, इससे सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को पानी मिलता है, इससे सिंचाई, सिंचाई क्या होता है, खेतों में जब पानी देना होता है, ठीक है, इससे सिंचाई के लिए पानी मिलता है। अब है बिजली, बिजली से क्या क्या फायदे हैं, घर में हमारी रोशनी कैसे आती है, बिजली से आती है ना, अगर एक मिनट भी लाइट बंद हो जाती है, जहाँ बिजली चली जाती है, तो हमें कितना मुश्किल होती है ना, होती है ना, तो बिजली हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो हम यहाँ पर, हमने यहाँ पर तीन फायदे लिखने हैं इसके, इसलिए पहला लिखा है बिजली से घर में रोशनी होती है, दूसरा बिजली से कई मशीनें चलती हैं, तीसरा खेतों में भी बिजली की बहुत जरूरत होती है, ठीक है, खेतों में जब पानी लगाने के लिए, मोटर चलाने के लिए, ठीक है, बिजली की जरूरत पड़ती है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं, वो आप कोई भी लिख सकते हो, ये मैंने तीन लिख दिए हैं, आप अगर चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका लेसन है बच्चे, वो समाप्त होता है, वो खत्म होता है, आपने ये अपनी बुक पे इस वीडियो को पॉज कर उतार लेना है अच्छे से,
इसके अलावा आपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो यहाँ भी लिखने हैं और अपनी कॉपी पे भी उतारने हैं, ठीक है। शब्द अर्थ एंड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो प्रश्न उत्तर हैं वो अपनी कॉपी पे उतारने हैं।